प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर करने जा रही हैं अपने रोल के साथ एक्सपेरिमेंट। प्रियंका चोपड़ा अब बनने जा रही हैं सरोजनी नायडू। जी नहीं, प्रियंका सरोजनी नायडू की लाइफ पर कोई फिल्म करने नहीं जा रही हैं, बल्कि उनकी अगली फिल्म में उनका कैरेक्टर इंस्पायर होगा सरोजनी नायडू से। इसीलिए वो आजकल कर रही हैं द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू पर रिसर्च। प्रियंका के इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं कुणाल कोहली। अगर उनकी रिसर्च ठीक रही तो इस फिल्म में प्रियंका कुछ इस तरह नजर आएंगी। कुणाल कोहली की इस अगली फिल्म में प्रियंका चोपड़ा तीन अलग अलग एराज के कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, 1910, 1960 एंड 2012। सोर्सेज की माने तो प्रियंका का 1910 का कैरेक्टर इंस्पायर्ड है सरोजनी नायडू से, और इसीलिए प्रियंका आजकल सरोजनी नायडू की क्लिपिंग्स भी देखती रहती हैं। वो कैसे चलती थी, कैसे बातें करती थी, ये सब प्रियंका अच्छी तरह से फॉलो कर रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि प्रियंका इस फिल्म में नेचुरल डाइज किए हुए कपड़े ही पहनने वाली हैं। डायरेक्टर कुणाल कोहली ने ब्रिटिश इराक के ड्रेसिंग स्टाइल पर काफी रिसर्च किया है और डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को आर्टिफिशियल कलर यूज करने से मना किया है। इस फिल्म में प्रियंका एक क्लासी एंड सोफेस्टिकेटेड वुमन इन डिफरेंट एराज के रोल्स में दिखने वाली हैं। वैसे प्रियंका अपनी मूवीज में अपने लुक्स पर काफी एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं। व्हाट्स योर राशि में उन्होंने 12 कैरेक्टर्स प्ले किए थे, तो सात खून माफ में उन्होंने 16 साल की टीनेज गर्ल से लेकर 60 साल की ओल्ड वुमन का रोल किया था, लेकिन उनके ये एक्सपेरिमेंट लोगों को एक्साइट नहीं कर पाए थे। अब सरोजनी नायडू जैसा हिस्टोरिकल कैरेक्टर दर्शकों को कितना अपीलिंग लगेगा, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा।